नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी जो है हिंदी के गद्य खंड में सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है बाल गोविंद भगत, हम उसका अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत जो है मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले का मतलब होता है जिसका कद ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर की होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। मतलब वो कैसी शख्सियत के मालिक थे, उनके बाल पक गए थे, दाढ़ी या जटाजूट, दाढ़ी भी नहीं रखते थे और जटाएं होते हैं लंबे लंबे बाल, ठीक है, तो फिर तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, मतलब एक छोटी सी लंगोटी लपेट लेते थे, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, ठीक है, कबीर पंथी कैसी टोपी पहनते हैं, कनफटी, उनके कानों से उनकी जो टोपी है वो फटी होती है, तो वैसी टोपी वो पहनते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा का मतलब होता है ठंड, एक काली कमली, कमली का मतलब होता है कम्बल, जिसको इंग्लिश में ब्लैंकेट भी बोलते हैं, ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, कौन सा रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, तो उनका जो रहन सहन था, उनका जो पहनावा था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऊपर की तस्वीर में यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। अब ऊपर की जो तस्वीर हमारे सामने बनती है वो साधु की बनती है जैसे, तो हम ये नहीं मान सकते उनके पहनावे से, उनके रहन सहन से कि वो साधु थे। बिल्कुल गृहस्थ, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रहते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। किसको मानते थे वो? कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार कर रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम का मतलब धक्के से झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, मतलब व्यवहार में मतलब यूज करना किसी की चीज को बिना पूछे ऐसे ही उठाकर। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता है, लोगों को अचंबा होता है, हैरान होते लोग। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, मतलब गृहस्थी थी उनकी, परिवार था, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब मतलब वो एक ईश्वर को मानते थे, भगवान को। साहब मतलब वो कबीर के फॉलोअर थे, कबीर को मानते थे, कबीर साहब को फॉलो करते थे। वो जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। कितनी दूर था? 4 कोस। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, मतलब अपना गुजारा उसी से चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मतलब मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते, तो वह कबीर के पद गाया करते थे, ठीक है। अषाढ़ की रिमझिम, अषाढ़ की रिमझिम है मतलब अषाढ़ मास है, ठीक है, उसकी रिमझिम मतलब बूंदाबांदी है बारिश की। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपणी हो रही है, रोपणी मतलब बिजाई हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, कलेवा होता है सुबह का नाश्ता, ठीक है। आसमान में बादल घिरा,
धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, पूर्व की ओर से जो हवा आती है उसको पुरवाई बोलते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग से झंकार कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपणी कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस धरती की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब उनका संगीत इतना मीठा है कि उनकी आवाज़ स्वर्ग तक भी उनके संगीत की आवाज़ पहुंच रही है और धरती के लोग भी उसको सुन रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। मतलब चारों ओर उनके गीतों को सुनकर हलचल हो उठती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवा है मतलब जो किसान खेत में हल जोत रहे हैं, उनके भी पैर जो है वो ताल पर उठने लगते हैं। मतलब जो साउंड होता है उससे उनके पैर भी थिरकने लगते हैं। रोपणी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, मतलब तेजी से चलने लगती हैं उस संगीत को सुनकर। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू, तो पता नहीं उस संगीत में कैसा जादू है। भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, भादो मास की अंधेरी आधी रात है, मूसलाधार वर्षा हो रही थी जो अभी, मूसलाधार का मतलब होता है लगातार वर्षा होना, अभी खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों के टर्टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी ठिमक ठिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। खंजड़ी एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, ठिमक ठिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उसे सखिया चीहू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीहू उठती है, उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कोंद उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देगा। मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आधी रात है, तो उनका गाना ऐसे चमकता है जैसे बादलों में बिजली चमकती है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, मतलब गहरी नींद में सोया है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो वो क्या गाना गा रहे हैं कि तेरी गठरी में, मतलब तुझे जो है चोर तेरे पीछे पड़ गए हैं, हे मुसाफिर तू जाग जा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हो गई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जाते, बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से अवर्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, तांता लगा मतलब लगातार शब्द निकल रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, गाते गाते इतने मस्त हो जाते
इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कम कम कपा